हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके बारे में सानिल शर्मा जी ने हमारे कमेंट में पूछा था कि इसके बारे में बताइए। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अगेन, किसी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए देखना है। तो हम सब कुछ जानेंगे अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कि कंपनी करती क्या है, इसके फाइनेंशियल क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो अभी हम आ गए screener.in पे और अनमोल इंडिया हमने सर्च कर लिया है और अनमोल इंडिया यहाँ पे आ गया है। तो अनमोल इंडिया का पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1998 में, 1998 में। और जो ये कंपनी मेनली करती क्या है, तो ये कोल रेगिंग फ्रॉम यूएसए, कोल इंडोनेशिया, कोल डोमेस्टिक कोल्स, पेट्रोलियम, कोक एंड कोकिंग कोल। इट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड सर्विस ओरिएंटेड कोल प्रोवाइडर इन एशिया। तो मेनली कंपनी करती क्या है, तो इसके वेबसाइट पे हम चल के देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। यहाँ पे हमारा वेबसाइट खुल गया है और इंडिया लीडिंग कोल सप्लायर यहाँ पे आ रहा है। तो ये कंपनी करती क्या है, ये हमको पता चल गया कि ये कंपनी कोल सप्लाई करती है। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी की और भी जो डिटेल्स है वो क्या है। तो की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स क्या है। तो कंपनी के जो की पॉइंट्स है कि इंडिया लीडिंग कोल सप्लायर, तो ये इंडिया का लीडिंग कोल सप्लायर है, कोल सप्लाई करती है। और ये फ्रॉम ट्रेडर टू बल्क इम्पोर्टर। तो पहले कंपनी एक ट्रेडर थी, लेकिन अब जो है वो बल्क इम्पोर्ट करती है। टाइप्स ऑफ कोल में कंपनी जो अनमोल इंडिया लिमिटेड है वो स्पेशलाइज सप्लाइंग करती है यूएसए हाई जीसीबी कोल, इंडोनेशियन कोल, सऊदी पेट कोक एंड यूएसए लो जीसीबी कोल। तो अगर इस कंपनी के बारे में आपको एनालिसिस करना है तो ये सब चीजों के बारे में भी आपको जानना होगा। तो आप खुद का रिसर्च करेंगे जो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे इन सभी चीजों का जो नॉलेज नहीं है, तो अगेन मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर मिक्स आता है कि ट्रेड्स, जो कंपनी ट्रेड्स करती है वो 70% करती है और एंड यूजर के पास जो जाता है कंपनी का प्रोडक्ट वो 30% जाता है। वहीं पे अगर रेंज की बात कर ले तो कंपनी के पास जो है वो टू वाइड नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऑन अ पैन इंडिया लेवल, टॉप 10 कस्टमर जनरेट रेवेन्यू अबाउट 30%, यानी 10 जो 10 कस्टमर्स है उनसे 30% का रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है। एंड नो सिंगल कस्टमर कंट्रीब्यूट्स मोर देन 3%। तो ये एक अच्छा है कि 3% से ज्यादा कोई भी कस्टमर से इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। तो ये एक अच्छा चीज है कि किसी पे कंपनी डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। वहीं अगर टेक प्लेटफॉर्म की बात करें तो कंपनी एज इंट्रोड्यूस इट्स मोबाइल ऐप अनमोल कूल, तो हम कंपनी टेक पे भी ध्यान दे रही है। वहीं अगर ब्रांचेस की बात कर ले तो अनमोल इंडिया लिमिटेड हैज टू ब्रांचेस एट गांधीधाम एंड कपूरथाला। तो दो ब्रांचेज हैं कंपनी के, एक गांधीधाम में है, एक कपूरथाला में है। रेवेन्यू ब्रेकअप जो है वो 98% आता है गांधीधाम ब्रांच से और जो 2% आता है वो कपूरथाला ब्रांच से आता है। तो जो डिपेंडेंट है कंपनी का जो रेवेन्यू वो गांधीधाम ब्रांच से है 98% का। मेजर जो कंसर्न्स है इस पे आपको ध्यान देना है कि जो कंपनी के लिए जो मेजर कंसर्न्स है वो वोलेटिलिटी इन इंटरनेशनल कोल प्राइजेस, क्योंकि ये एक कमोडिटी है, कोल एक कमोडिटी है, तो इसके जो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। चेंजेस इन लो लॉ लॉ में भी चेंजेस होते रहते हैं और हाईली कम्पिटेटिव नेचर इन द इंडस्ट्रीज, और ये बहुत ज्यादा, ये जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है। तो ये एक मेजर कंसर्न है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ये जो कंपनी है लो मार्जिन बिजनेस है, वही मैं देख रहा था कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो इतना कम क्यों है। तो द लो द ट्रेडिंग ऑफ कोल इज अ हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन बिजनेस इन नेचर। ये जो बिजनेस मॉडल है, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम में किया जाता है और लो मार्जिन बिजनेस है, इसका नेचर ही यही है। पिछले 10 साल में कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है वो लगभग 1 to 2% रहा है, यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है। फोकस ऑन हाई ग्रेड कोल, द कंपनी इंटेंड्स टू फोकस ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ न्यूअर वेराइटी ऑफ कोल एंड हाई जीसीबी कोल दैट हैज बेटर मार्जिन। तो कंपनी का जो फोकस है वो हाई ग्रेड कोल पे है, जिसका जो मार्जिन है वो बेटर मार्जिन है, जहाँ पे कंपनी ज्यादा पैसे कमा पाएगी। अब कंपनी के हम फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी जो है 285 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक बहुत ही छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी है। पीई जो रेशियो है कंपनी का 15.2 का पीई है, आरओसी 3.84 का है, तो बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग आरओसी नहीं है। वहीं आरओई की बात करें तो 26.8% का है, तो आरओई अच्छा है लेकिन आरओसी बहुत ही अच्छी नहीं है। वहीं डेट टू इक्विटी की बात करें तो बहुत ज्यादा है, 3.86%, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। तो हमेशा ऐसे कंपनियों में रिस्क बना रहता है, जिस कंपनी के पास डेट ज्यादा रहता है
लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि कंपनी को डेट लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बहुत ज्यादा डेट है। प्राइस टू बुक की बात करें तो 3.60 है, वहीं अगर प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 20.7% का जो प्लेज है। तो कंपनी में बहुत सारी नेगेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि डेट टू इक्विटी 3.86% है, प्लेज भी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने प्लेज भी कर रखा है, डेट भी कंपनी के पास 305 करोड़ का है। तो ये जो दो तीन फैक्टर है ये मुझे लगता है कि कंपनी के लिए नेगेटिव है, और आरओसी भी बहुत ज्यादा प्रोमिसिंग नहीं है। वहीं फेस वैल्यू की बात करते हैं, 10 का फेस वैल्यू है कंपनी का, जो हाई और लो है, 63 का कंपनी ने हाई लगाया है और 24 का कंपनी का लो है, अपने हाई के आसपास का प्राइस चल रहा है 50 के आसपास का। अब बात कर लेते हैं कि जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो चेंज हुआ है, तो 3 साल में कंपनी के जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 2.28% में चेंजेस आया है, यानी कि 3 साल पहले जो होल्डिंग था उसमें 2 से 2.25% का गेन आया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वो भी हम देखेंगे कि कितना कब कब ये डिफरेंसेस हुआ है, कब ये जो चेंजेस हुए हैं होल्डिंग में वो हुआ है। वहीं अगर प्राइस चार्ट का अगर हम देख लेते हैं तो 2019 में कंपनी लिस्ट हुआ था 7 रुपए के आसपास का, और अभी चल रहा है 50 रुपए के आसपास का, तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास का है। अब देख रहे थे कंपनी के प्रोज और कॉन्स क्या है, तो कंपनी के जो प्रोज है, कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी ने रिड्यूस डेट घटाया है, अच्छे क्वार्टर्स आने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड है, डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने डिलीवर किया है पिछले 5 साल में, लास्ट 5 ईयर्स में 45.5% कैगर कंपनी का ग्रो हुआ है, तो एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। कंपनी हैज गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, आरओई कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 3 साल में 28.6% का है। कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा है, 25.1% का है लास्ट 10 साल में। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 180 डेज टू, तो ये भी पॉजिटिव साइन है कि 180 दिन से 54 दिन के आसपास का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो हो गया है। अब कंपनी का कॉन्स क्या है, यानी नेगेटिव साइड क्या है कंपनी का, तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा टाइम पे कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ट्रेड हो रहा है। थाउ द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, तो कंपनी प्रॉफिट में ज्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे रही है। कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी ऑफ 1.169 करोड़, यानी 169 करोड़ का कॉन्टिनेंस लाइबिलिटी है, तो ये कंपनी को पे करना होता है, ये लाइबिलिटी है कंपनी के पास, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है। और कंपनी के पास डेट भी बहुत ज्यादा है, तो और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 285 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये कंसर्न तो है, कंपनी के पास डेट एक इशू है। यहाँ पे कॉन्स में एक और चीज दिया हुआ है कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये भी है कि कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर ही माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। अब हम जान लेते हैं कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स वो कैसे रहे हैं। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखें पिछले 3, 4, 5 क्वार्टर्स का, तो कुछ ज्यादा खास ऊपर या नीचे नहीं हुआ है, लगभग एक रेंज में ही है, और बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है कंपनी के जो रेवेन्यू का रहा है, जो मार्च 2022 की बात करें तो 311 करोड़ का जो रेवेन्यू रहा है, फिर जून में 556 करोड़ का हो गया, उसके बाद सितंबर में 130 करोड़ का रह गया, फिर 352 करोड़ का, अभी 370 करोड़ का है मार्च 2023 का जो डाटा है वो 370 करोड़ का रेवेन्यू है, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है रेवेन्यू में। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आपको सेम देखने के लिए मिलेगा कि एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ होता है वो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में नहीं देखने के लिए मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। अब हम देख लेते हैं कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, ईयरली जो प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, तो पिछले 3, 4 सालों से कंपनी का जो सेल्स रहा है 500 करोड़ से अभी 1400 करोड़ हो गया है कंपनी का सेल्स, तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रहा है पिछले 4-5 सालों में। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, 2020 में था 5 करोड़ का, 21 में 10 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में 16 करोड़ का, और अभी 2023 में 19 करोड़ का, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है प्रॉफिट में, लेकिन एक धीरे धीरे कंसिस्टेंट एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। वहीं ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी पिछले 4 साल में इंक्रीज हुआ है। वहीं डिविडेंड में कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं पे करती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं हम बैलेंस शीट का, तो यहाँ पे बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास डेट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रिजर्व्स कंपनी के पिछले कुछ सालों से रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, यानी पिछले 4 साल से अगर कंपनी का रिजर्व देखे तो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो एक पॉजिटिव साइड होता है, कंपनी के रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर बोरोइंग्स की बात करें तो पिछले 3 मार्च 2022 से पिछले 3 साल में कंपनी का जो
बोरोइंग से वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। मार्च 2022 में तो 1400 करोड़, 1431 करोड़ का बोरोइंग्स हो गया था, जो बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी मार्च 2023 में कंपनी का जो बोरोइंग से वो 305 करोड़ का है, ये भी मुझे ज्यादा लगता है। ये जो मार्च 2020 में जो बोरोइंग्स था, मार्च 2021 में जो बोरोइंग्स था वो ठीक ठाक बोरोइंग्स था, लेकिन अचानक ही 2 साल में बहुत ज्यादा बोरोइंग्स में इंक्रीज देखने के लिए मिला है। वहीं अदर लाइबिलिटी भी आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर फिक्स एसेट्स की बात करें तो फिक्स एसेट्स में कंपनी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, तो 1 करोड़ का जो फिक्स एसेट्स है, तो कंपनी के पास एसेट्स में बोले तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि कंपनी मेनली करती क्या है, मेनली ट्रेडिंग कर रही है, कंपनी इंपोर्ट कर रही है कोल को, तो कंपनी के पास ज्यादा एसेट्स नहीं है। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अदर एसेट्स में देखते हैं तो अदर एसेट्स में आपको कैश इक्विवेलेंट्स भी देखना जरूरी होता है, तो 172 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। तो ये एक अच्छा चीज है कि 285 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का और 172 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास, जो कि मुझे लगता है कि बोरोइंग्स ही होगा। तो बोरोइंग्स 305 करोड़ है, उसके हिसाब से 172 करोड़ का कैश है, तो कैश में तो थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं। अब कैश फ्लो देख लेते हैं, तो कंपनी का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। कैश फ्लो 54 करोड़ का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रहा है वो नेगेटिव है। यानी कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वहां से कंपनी के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, ये भी यहाँ पे भी एक नेगेटिव है। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कंपनी के पास कैश आ रहा है, जो कि बोरोइंग्स मेनली, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स 117 करोड़ का जो कैश यहाँ पे है कंपनी के पास, वो बोरोइंग्स कंपनी ने बोरो किया है। वहीं अगर रेशियोज का देख लेते हैं तो आरओसी कंपनी का कुछ खास नहीं है, 4% का आरओसी है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो प्रमोटर्स का होल्डिंग रहा है, अगर हम मार्च 2020 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है वहां से देखते हैं, तो 54% था और अभी 57% है, तो इंक्रीज ही हुआ है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने वाला चीज है कि मार्च 2021 में, सितंबर 2020 में 54% का, लगभग 55% के आसपास का प्रमोटर्स का होल्डिंग था। फिर वहां से कंपनी के जो प्रमोटर्स थे वो 5% के आसपास उन्होंने इंक्रीज किया था, लेकिन अगले ही क्वार्टर में वो जो होल्डिंग था वो फिर 2% 2.5% से घट गया है। तो ऐसा होता नहीं है, छोटी कंपनी है, जब प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो फिर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ था फिर यहाँ से अगले ही क्वार्टर में वो कम कम हो गया। तो यहाँ से देखना है कि इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो होल्ड किए हुए हैं, और वही पब्लिक का होल्डिंग है वो 42% का है। एफआईआई का भी होल्डिंग इंक्रीज हुआ है जून में। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ज्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो कुछ कंसर्न्स है इस कंपनी में, जैसे कि कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है वो ज्यादा ले रखा है कंपनी ने, डेट ज्यादा ले रखा है, प्लेज है प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो प्लेज है, तो ये सब कंसर्न है। अगर मुझसे, अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे अगेन, मैं ये जो पूरा सेक्टर है, ये जो कमोडिटी का सेक्टर है, ये जो कोल कंपनियां हैं, इनको मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन कुछ कंसर्न्स तो है, नेगेटिव ही मुझे मिला है इस कंपनी में। अगेन फिर भी आप, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इतना ध्यान रखिए कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, इसमें आपको पहली बार तो माइक्रो कैप कंपनी है, तो बहुत ज्यादा आपका अपने कैपिटल का बहुत ज्यादा पोर्शन इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको लगता है कि हाँ कंपनी, आपको बहुत ज्यादा कन्विक्शन है, हो सकता है कि आपके सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में ये जो कंपनी है, कोल कंपनियां है, वो आती होगी। तो आपको अगर इस बिजनेस का समझ है तो अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत एक छोटा सा कैपिटल आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि छोटी कंपनी हमेशा रिस्क होता है। कंपनी के जो कुछ इश्यू है, जैसे कि डेट टू इक्विटी है, प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, डेट है कंपनी का, तो ये सब कुछ इश्यू है और अभी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो मेरे हिसाब से, मैं इस कंपनी में, अगर मेरा ओपिनियन अगर कोई पूछेगा तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस में भी नहीं आता है। और अगेन ऐसे कंपनियों से मैं दूर रहना चाहता हूँ जिसके पास डेट बहुत ज्यादा है और वहीं पे प्रमोटर्स ने होल्ड प्लेज भी कर रखा है, और जिसको मेरे जिसको जिसका मुझे बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आता है। अगेन मैं यहाँ फिर से आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ इसको आप एजुकेशन पर्पज के लिए ही देखिएगा। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, धन्यवाद। जय हिंद, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।